सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हम लोग धूप में निकल चुके हैं, मतलब दोपहर में। यहाँ पर धूप देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा, रोड पूरा खाली है क्योंकि अब इतने धूप में और हम लोग इस कौन ही निकल सकते। साथ में चल रहे RC 200 और NS 200, जो कि मेरे सारे ब्लॉग्स में कहीं ना कहीं देखा ही होगा आप लोगों ने इसको। और आज मैं अब पिलियन के साथ भी टॉप स्पीड चेक कर लेता हूँ गाड़ी का कितना जाने वाला है। तो 41 जा रहा है। वैसे अगर मैं लॉन्ग खींच कर रखता तो वो 42-43 चले जाता मेरे ख्याल से। वैसे 41 क्या, और यहाँ पर ट्रक वाला भी शायद हल्का सा राइट लेने का ट्राई कर रहा था, शायद अपने मिरर में देख लिया होगा, उसके बाद फिर से अपने लेन पर आ गया। यहाँ पर पता नहीं इस कार वाले को क्या हो गया, बोलना क्या चाह रहा था समझ पाया नहीं कुछ भी। और आगे हम लोग उसके बगल में जाने पे भी दोबारा फिर तो कुछ बोला नहीं, पता नहीं शायद होगा कुछ उसको। और हाईवे में राइड करने का दिक्कत यही होता है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं अपने गोप्रो में एडॉप्टर तो नहीं लगा रखा हूँ जिस कारण विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पर हम लोग दोनों NS 200 का टॉप स्पीड टेस्ट और टॉप इन रेस और ड्रैग रेस करने वाले हैं, जो कि पहले ही चैनल पे अपलोड हो गया होगा, तो जाके जल्दी चेक कर लो। तो यहाँ पर हम लोग का रेस तो कम्प्लीट हो चुका है और टॉप स्पीड भी निकाल चुके हैं गाड़ी का, मतलब प्रॉपर टॉप स्पीड गाड़ी का खुल चुका है। तो टॉप स्पीड आ गया, जाके मतलब इस वीडियो के आने से पहले ही वो वीडियो अपलोड हो गया होगा, तो जाओ जिसको देखना है टॉप स्पीड चेक करना है वो चैनल पर वीडियो होगा, जाके चेक कर लो। और यहाँ पर सामने कार से कुछ बच्चे और लड़कियाँ हैं, हाथ दिखा रहे मतलब हेलो कर रहे हैं। तो और इसमें से तो कुछ भी मतलब इसके यहाँ देख सकते हो, फ़ोन से हम लोग का वीडियो भी बन रहा है। एक बाइकर को इससे अच्छा रिएक्शन और क्या ही चाहिए। और यहाँ पर रेस का इशारा हो चुका है और फिर इस चीज से हम पीछे तो रहते हैं नहीं, सेम सेगमेंट सेम बाइक और रेस हो और थोड़ा सा भी आगे निकल जाओ, फिर इससे ज़्यादा खुशी और क्या ही हो सकता है। वैसे तो मैं फ़िलहाल अभी आगे ही चल रहा हूँ। वन फोर्टी सेवन समथिंग है शायद। और ये अभी आ रहा है, मतलब शायद थोड़ा सा स्लो कर लिया रहा होगा, नहीं तो अभी गैप नहीं रहता है NS 200 में। RC का तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि RC का टॉप स्पीड वैसे भी कम है और पिलियन के साथ भी है। इधर ही चले गया, अलाउड है अंदर जाना। अरे गवर्नमेंट है। अरे यार फसाने वाला काम मत करे। यहाँ कुछ टाइम अंदर बैठने के बाद निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे यहाँ का व्यू तो बहुत मस्त है, वैसे कोई आया भी नहीं यहाँ पे। यहाँ जो ये सारे तालाब जैसे जो दिख रहे हैं उसमें मछलियाँ हैं। व्यू ज़्यादा अच्छा था वैसे यहाँ का। और फिर से हाईवे में आ चुके हैं हम लोग वापस वहाँ से, और RC में व्हीली स्टार्ट हो चुका है। हम लोग आगे पीछे एक बार देख लेते हैं क्योंकि ताकि कोई कार गाड़ी कुछ आते ना रहे, उसके बाद ही व्हीली ट्राई करते हैं। उतना भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है अभी वैसे, क्योंकि और बाकी आप लोगों ने देख रहा होगा इसका कितना खतरनाक व्हीली होता है। ये बेस्ट था। और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा कट लगा मतलब जो मेन है वो ही दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, कि वरना वैसे में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। और वो लोग फिर से पीछे हो गए जिसके कारण तब तक हम लोग स्टॉप लिए थे, तो मैं रील्स बना लेता हूँ कुछ, जो कि देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम में।
और यहाँ से देख सकते हो क्या ही लुक आ रहा है बाइक का। और यहाँ पे अचानक से वाइट कलर शायद सामने आ गया था और हम लोग फिर से थोड़ा ट्रैफिक एरिया में आ गए। मतलब इधर तो ज़्यादा ट्रैफिक कम ट्रैफिक देखने को मिलता है लेकिन ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है इधर। और ट्रैफिक स्टार्ट मतलब रश ड्राइविंग स्टार्ट। और यहाँ पर स्कूटी को लड़की धक्का दे रही है और लड़का बैठा हुआ है, पता नहीं ऐसी भी क्या मजबूरी थी। बस इतना ही ट्रैफिक मिला करे और इतना ही कैब मिले हम लोग को आने जाने का, फिर तो क्या ही मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में और बाइक चलाने में भी साथ। और तो यही था आज का वीडियो, होप करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।